चलिए आज सीखेंगे ना कि हमें चावल को कैसे पैक करके रखना है जिससे उसमें कीड़े और घुन ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले तो इसका जो थैली है ना वो इतना सुंदर है ना कि मैंने कहा इसका यूज़ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसे ना मैंने खाली करके ऐसे बीच में से कट कर दिया ना जिससे इसका हैंडल काफ़ी मजबूत हो गया। ये किसी ना किसी काम में तो आ ही जाएगा। तो चलिए अब चावल को कैसे रखें जिससे उसमें घुन ना पड़े और कोई कीड़े ना आए। तो सबसे पहले तो जो चावल वाले साइज़ का साँचा आता है ना उससे हम चालनी से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए ये है ना, इसमें घुन और छोटे छोटे कीड़े निकले थे तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हो या तो गोली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने है ना इसके लिए पाउडर लिया, सिलेक्ट किया, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतरीन रहता है। गोली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चावल में से बीन कर उसको भिगा कर कुछ इडली वगैरह यूज़ करना होता है, लेकिन ये तो बासमती राइस है इसलिए इसमें मैं पाउडर डालूँगी। फिर मैंने दुकानदार से क्वेश्चन किया था कि कितना भी अच्छा चावल लो इसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो उसने क्या कहा ना मुझे, आप डब्बे में रखने से पहले ना न्यूज़पेपर को अच्छे से बिछा लीजिए, फिर इसमें थोड़ा चावल डालिए और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके रखिएगा और वो बिछाते जाइएगा एक एक लेयर पे, जैसे दो दो तीन तीन किलो के बाद आप रखते जाइए। इससे क्या होगा ना, जो पेपर में कार्बन होता है ना उससे कीड़े नहीं पैदा होंगे। तो ये सच्ची मैंने ट्राई किया, तो पिछले साल मैंने यूज़ किया था, ये ट्राई किया था टिप, तो इस टाइम मेरा चावल अच्छा रहा। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप भी अपना चावल साफ़ रखना चाहते हैं, उसमें कीड़े ना पड़े, बार बार आपको बीनना ना पड़े, तो इसके लिए ये टिप अपनाइए। तो चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सिलेक्ट बासमती राइस प्रीमियम क्वालिटी भरने के लिए चावल बेस्ट है।